हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेम 4 की सिलेबस के बारे में। इसमें हम प्रॉपर जितने भी सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। सो फर्स्ट है आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में मीनिंग ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, पर्पस, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो देखिए, इवैल्यूएशन और जो असेसमेंट का जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपने सैम बी एड सैम 2 में भी आपने इसको स्टडी किया होगा हर एक अपने सब्जेक्टिव पेपर में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इससे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, और कभी कभी इसके टाइप्स पूछ ली जाती हैं डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। सेकेंड है आपका टूल्स ऑफ असेसमेंट। सो टूल्स ऑफ असेसमेंट में आपके पास क्या क्या चीज़ है, असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, टेस्ट हैं। अब टेस्ट भी कुछ तरह के हैं, ऑब्जेक्टिव है, ऐसे टाइप है, और उसके मेरिट्स और लिमिटेशन। सो और इसके साथ में है काइंड्स ऑफ टेस्ट आइटम और ओरल टेस्टिंग। और थर्ड आपका जो है वो है CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी मेरिट्स और लिमिटेशन। तो देखिए, जो CCE का टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो जो भी आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो हमेशा ज़्यादातर ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में से पूछा जाता है, और जो सेकेंड आपका जो है इसमें सेक्शन ए में, इससे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सो सेक्शन बी में आपके पास स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। तो इसमें आपने क्या क्या स्टडी करना है, तो पहले आपका परसेंटेज, परसेंटाइल रैंक, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स जिसमें आपका मेन, मीडियन एंड मोड आ जाता है, और इसके साथ में ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स। तो ये आपका थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन हो जाता है, इसमें आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और थ्योरी पार्ट भी पूछा जाता है। तो जैसा कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आप शो करते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स कौन कौन से हैं, इस पर एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और इसी तरह से आपका जो परसेंटेज है, परसेंटाइल रैंक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जो परसेंटेज है इसमें भी अलग अलग टाइप के आपसे पूछे जाते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसकी आपकी एप्लीकेशन क्या है। और साथ में अगर आपका सेंट्रल टेंडेंसी क्वेश्चन आता है तो ये मेनली न्यूमेरिकल ही आता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स। फिफ्थ है आपका एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। सो इसमें आपने क्या पढ़ना है, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी एंड रेंज ऑफ क्वेश्चंस, स्कूल बेस्ड क्रेडिट, जो आपका क्रेडिट सिस्टम है उसके बारे में है, और लास्ट है आपका अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि आपका इसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन भी आ जाता है। तो मतलब कि जो हमारे ट्रेडिशनल एग्जाम्स होते हैं उससे अलग और कौन से हमारे जो एग्जामिनेशन के मोड हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स, तो ये सारा आपने इसमें स्टडी करना है। तो ये है आपका सेक्शन बी, और ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये आपका 70 मार्क्स का पेपर है। नेक्स्ट है आपकी जो बुक है वो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो इसमें सेक्शन ए में आपसे पूछा जाता है जेंडर के बारे में, व्हाट इज जेंडर, इसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके बेस पे सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट ऑफ जेंडर। तो ये आपने मेन जेंडर के बारे में पढ़ना है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है जेंडर रोल एंड परसेप्शन। तो जेंडर के क्या रोल होते हैं, इसका परसेप्शन क्या है, और उसमें आपने स्टडी करना है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, फेमिनिज्म एंड पेट्रियार्की। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। अब देखिए, जो ये फर्स्ट आपका है जेंडर के ऊपर, इसमें आपसे बेसिकली
जैसे आपको तीन एस्पेक्ट्स दे रखे हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट। तो इसमें मेनली आपसे दो का पूछा जाता है, या तो सोशल साइकोलॉजिकल हो जाएगा, या तो साइकोलॉजिकल कल्चरल हो जाएगा, या फिर किसी भी दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, जेंडर एंड सोसाइटी। तो जेंडर और सोसाइटी का रिलेशन क्या है, जेंडर इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर इक्वालिटी, डिफरेंस भी पूछा जाता है इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में, जेंडर रोल्स क्या है, जेंडर बायसेस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो ये आपने इसमें स्टडी करना है। और हमारा लास्ट टॉपिक है फोर्थ, जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी में आपने कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट, जेंडर बायस एंड जेंडर इश्यूज इन इंडियन सोसाइटी के बारे में आपने इसमें पढ़ना है। सो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बुक इंक्लूसिव स्कूल की। तो हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ में इसके बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड है आपका डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये जो आपका सेकेंड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन, इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तीनों में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर किसी दो में। थर्ड है आपका टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इसमें जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में आपको बताना है, और इसमें मेनली आपने बताना है कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, सोशल लर्निंग एंड मल्टी सेंसरी लर्निंग के बारे में। और इसी में आपका दूसरा टॉपिक है क्रिएटिंग कंडक्टिव इन्वायरमेंट इन इंक्लूसिव स्कूल्स। ये कंडक्टिव नहीं है, कंड्यूसिव है। तो ये है आपका सेक्शन ए। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सो सेक्शन बी में आपके पास जो फोर्थ आपका टॉपिक है वो है क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। तो इसमें रोल ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। और जो आपका फिफ्थ टॉपिक है वो है एनपीई 1986। इसमें आपकी रिकमेंडेशंस पूछी जाती हैं। और नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1987, इसकी रिकमेंडेशंस, एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 एंड द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। मेनली जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसमें वो इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बनता है। तो कई बार जो आपका एनपीई 1986 है और जो आपका आरपीडब्ल्यूडी आपका है एक्ट, वो पूछा जाता है 2016 वाला। तो वैसे तो को आपसे कुछ भी आ सकता है इसमें। एंड लास्ट टॉपिक है इसमें रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आरसीआई जो है आपका, उसका रोल क्या है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। सो इसके सेक्शन ए के बारे में देखते हैं। सो सेक्शन ए क्या है, सोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एट होम, कम्युनिटी एंड एट स्कूल, इंटरलिंकेजेस विद इन वाइडर सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड है आपका एमर्जेंस ऑफ पर्सन एंड आइडेंटिटी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नीड डिटर्मिनेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्सन। थर्ड है आपका द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप, मीडिया मैसेजेस, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो मेनली हमने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में जो आपका सेक्शन ए है, इसमें लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है सोशलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, इसमें होम, कम्युनिटी और स्कूल का क्या इंटरलिंकेज है, दो भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी दो, जैसे होम और कम्युनिटी पूछ लिया, कम्युनिटी और स्कूल के बीच में पूछ लिया, तो ये अलग अलग आपका हो सकता है। और जो आपका सेकंड है एमर्जेंस ऑफ पर्सन एंड आइडेंटिटी, इससे मेनली आपका कॉन्सेप्ट और इसकी डिटर्मिनेंट्स पूछी जाती है। और जो लास्ट टॉपिक है द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप, मीडिया मैसेज, ये मेनली शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसकी सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके पास आता है फोर्थ टॉपिक है
स्कूलिंग एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, तो किस तरह से स्कूल का रोल होता है इंडिविजुअल की आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। सो इसमें डेवलपिंग नेशनल सेक्युलर एंड ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी, इसके बारे में आप हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ है आपका कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ एजुकेशन एंड क्रिटिकल पेडागोजी इन मूविंग टूवर्ड्स पीसफुल लिविंग, तो ये भी आपका मेनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये है आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। नेक्स्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, तो मेनली इसमें हम बात करेंगे जो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में देखा था, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986, वही इसमें रिपीटेड है रीडिंग रिसोर्स में एनपीई 1986 एंड एनसीएफ 2005। मेनली जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एनपीई 1986, एनसीएफ 2005 आपसे मेनली शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है। सेकंड है रिफ्लेक्शन ऑन कोर एलिमेंट, एनपीई 1986 एंड एनसीएफ 2005, एम्स ऑफ एजुकेशन पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, तो ये आपके दोनों सेम ही हो जाते हैं। अगर आप एनपीई 1986 के बारे में पढ़ेंगे तो आपको दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी है आपका रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स क्लास 8th और 9th, साइंस सोशल साइंस मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस, और फोर्थ है आपका रिफ्लेक्शन ऑन कोर एलिमेंट इन द अबव स्टेटेड स्कूल टेक्स्ट बुक्स विद रिस्पेक्ट टू जेंडर एनवायरमेंट एंड हेल्थ। तो मेनली ये जो आपको तीन फैक्टर दे रखे हैं जेंडर एनवायरमेंट एंड हेल्थ, इन तीनों में से कोई दो आपसे ऑप्शन में पूछे जाते हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बताना होता है। तो ये था आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सो इसमें जो आपका सेक्शन ए है वो है इंगेजिंग विद पॉपुलर सब्जेक्ट बेस्ड एक्सपोजिटरी राइटिंग, तो ये बहुत ही मेन क्वेश्चन बन जाता है आपका एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में, लॉन्ग आंसर आपका इसी पार्ट में से बनता है। तो उसमें आपका सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं, बायोग्राफिकल राइटिंग है। नेक्स्ट है आपका इंगेजिंग विद डिफरेंट राइटिंग्स न्यूज़पेपर मैगजीन्स और कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल इशूज, अब जैसे आपके तीन ये आपके टॉपिक्स हैं तो इसमें से कोई दो पूछे जाते हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन हो जाएगा, मैगजीन और कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल इशूज हो जाएंगे, और इससे आपका शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन भी बन जाता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी इसमें आपकी स्कूल मैगजीन और स्कूल मैगजीन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड लेआउट क्या है इसका, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है आपका, और इसके साथ में ही वॉल मैगजीन है, सो ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस एंड प्रेपरेशन, तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेगा वो आपका सेकेंड थर्ड जो और फोर्थ है इन दोनों को मिला के बनेगा आपका, तो इनमें से आपसे कोई एक ही पूछा जाएगा, और जो आपका इसका सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा फिफ्थ में से, वो है इंगेजिंग विद एजुकेशनल राइटिंग एक्सट्रैक्ट्स और चैप्टर्स फ्रॉम ऑथर्स हु डील विद थीम्स फ्रॉम एजुकेशन स्कूलिंग टीचिंग और लर्निंग, तो ये है आपका सेक्शन बी स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में जो आपका सेक्शन ए है ह्यूमन नर्वस सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आपके इसके पार्ट्स हैं इसके फंक्शन हैं और ये लगभग कई बार पूछा गया है, और सेकंड है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसके फंक्शन और लोकेशन इन द बॉडी, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका थर्ड है डाइट एंड न्यूट्रिशन कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट एंड देयर सोर्सेस कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड कॉजेज एंड प्रिवेंशन, एंड फोर्थ है आपका कॉमन चाइल्डहुड इलनेस कॉजेज एंड प्रिवेंशन एंड इम्यूनाइजेशन, तो ये है आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी है आपका फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस क्या होती है इसका मीनिंग डेफिनेशन कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पोनेंट्स, अब इसमें आपने पढ़ना क्या है एरोबिक है एनरोबिक है यौगिक एक्सरसाइजेस हैं
इंडिजिनस गेम्स हैं एंड स्पोर्ट्स हैं। तो इसमें मेनली सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो इकट्ठे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे कोई दो टॉपिक पूछे जाएंगे, जैसे एनारोबिक और एरोबिक पूछ लिया, इंडिजिनस गेम्स एंड स्पोर्ट्स आ गया, ऐसे आते हैं आपके क्वेश्चन। सिक्स्थ है आपका योगा। कॉन्सेप्ट क्या है योगा का, योगिक क्रियाएं कौन सी हैं, आसन कौन से हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आपकी कपालभाति आती है, अनुलोम विलोम एंड पर्वतासन, एंड मस्किलो स्केलेटल एक्सरसाइजेस जिसमें आपका वज्रासन है, पर्वतासन है, गोमुखासन है और पद्मासन है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, हम इसको इन किन किन स्टेप को फॉलो करके कर सकते हैं, तो ये आपसे पूछा जाता है। एंड सेवन्थ जो आपका टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में जनरली जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, हैंडलिंग ऑफ डॉग, एनिमल एंड स्किन, स्नेक बाइट्स, फ्रैक्चर्स, ब्लीडिंग्स, बर्न्स, सनस्ट्रोक एंड केमिकल पॉइजनिंग, ये क्या होता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में सेक्शन ए जो है उसमें आपका सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन है वो है गाइडेंस। गाइडेंस होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, नीड्स टाइप्स, अब एजुकेशनल है, वोकेशनल है, पर्सनल है, उसकी मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली आपसे जो आपके तीन फैक्टर्स दे रखे हैं, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, इसमें से कोई दो या फिर एक पूछा जाएगा। सेकंड है आपका टेस्टिंग टेक्निक्स, टेस्टिंग ऑफ मेंटल एबिलिटीज, एप्टीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट। एंड थर्ड है आपका नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स, जिसमें आपका इंटरव्यू आ जाएगा, रेटिंग स्केल आ जाएगा, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड आ जाएगा। तो ये है आपका गाइडेंस। तो इससे हमें पता चल रहा है सेक्शन बी है जो आपका वो काउंसलिंग से रिलेटेड है। काउंसलिंग, काउंसलिंग में मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पर्पस, अप्रोचेस दो टाइप्स हैं, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव अप्रोच। फिफ्थ है आपका काउंसलिंग इंटरव्यू, इसके स्टेप्स क्या हैं काउंसलिंग इंटरव्यू के, उसको कैसे कंडक्ट करते हैं वो इसमें पूछा जाएगा। एंड सिक्स्थ है आपका रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स, करियर गाइडिंग्स, करियर टॉक्स, रोल ऑफ टीचर एज अ काउंसलर। तो मेनली ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप में वो पूछा जाता है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बुक, ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन। सो सेक्शन ए, इसमें आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन राइट्स के बारे में, मीनिंग क्या है इसका, कॉन्सेप्ट, नीड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मेन ह्यूमन राइट्स की। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपका सिंगल है ह्यूमन राइट्स, अब उसका एजुकेशन से लिंक करके इसका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। और जो थर्ड टॉपिक है वो आपका ह्यूमन राइट एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स, अब लेवल अलग अलग हैं, एलिमेंट्री है, हाई है और सेकेंडरी है। अब सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपका वैल्यूज़ के बारे में पूछा जाएगा, वैल्यूज़ की मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसकी ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेस ऑफ वैल्यू इनकल्केशन एंड वैल्यू क्राइसिस। एंड फिफ्थ है आपका इम्फोसिस ऑन वैल्यूज इन एनपीई 1986। फिर से जो आपका ये टॉपिक है रिपीटेड है, बट थोड़ा सा बहुत चेंजेस होंगे क्योंकि इसमें हमने मेनली बात वैल्यू से रिलेटेड करनी है। सिक्स्थ है आपका कल्चर, कल्चर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर, कॉन्सेप्ट, करेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद एजुकेशन, स्ट्रेटजीज ऑफ प्रमोटिंग कल्चर अकॉर्डिंग टू एनपीई 1986। तो इसमें फिर से हम बात कर रहे हैं एनपीई 1986 के बारे में, बट स्पेशल रेफरेंस टू कल्चर। तो चलिए बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट बुक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आपने सेक्शन ए में सबसे पहले तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग और इसकी डेफिनेशंस, एंड नेक्स्ट है इसका कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड वर्क एजुकेशन। सो इसकी मीनिंग क्या है, नीड क्या है, रिलेवेंस इन प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब इसका प्रेजेंट टाइम में क्या इसका हमारा रोल है और इसके इश्यूज क्या है, कंसर्न्स क्या है इसके। सेकेंड है आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लोकल कम्युनिटी इंगेजमेंट, वर्क एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड नई तालीम प्रैक्टिस इन इंडिया।
एंड थर्ड है आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड वर्क एजुकेशन। सेक्शन बी है आपका वर्क एजुकेशन क्या होता है, सोशल इकोनॉमिक एंड पेडागोजिकल वैल्यूज ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन प्लान फॉर आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज्ड एस्पेक्ट्स। फिफ्थ है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइन ऑफ डिस्ट्रेस इन फाइनेंशियल सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एंड कोपिंग मैकेनिज्म पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। सिक्स्थ है आपका सर्विस इंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट एक्टिविटीज अलोंग विद ट्रेन्ड रेजिडेंट कम्युनिटी वॉलंटियर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग। सो इसमें सेक्शन ए जो है आपका वो है डिस्टेंस एजुकेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो डायरेक्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से ही बनता है, व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सेकेंड है मेथड्स ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग आउटकम्स, ओपन लर्निंग एजुकेशन। सो थर्ड है आपका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें मेनली आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मीडिया, ऑडियो टेक्नोलॉजी, वीडियो टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। सेक्शन बी है आपका, सेक्शन बी में आपसे पूछा जाएगा प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के बारे में, सो टेक्निक्स इन डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। सो मेनली जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो इसी में से बनता है आपका। एंड फिफ्थ है आपका इंटरवेंशन ऑफ फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन थ्रू प्रोग्राम्स लाइक अडल्ट लिटरेसी एंड एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट एंड यूथ। एंड सिक्स्थ है आपका पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स टू स्प्रेड लिटरेसी एंड प्रमोट कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब जो हमारी लास्ट बुक है वो है टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में आपका जो सेक्शन ए है, व्हाट इज टीचर एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, इसकी मीनिंग, इसके करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एट डिफरेंट लेवल्स। सेकेंड है आपका रोल ऑफ फंक्शंस, रोल एंड फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी, एनसीटीई, डाइट एंड सीटीई ऑन टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन के लिए इनके रोल और फंक्शन आपने बताने हैं इन सभी इंस्टीट्यूट्स के। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, रोल ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन। एंड फोर्थ है आपका इनोवेशंस इन टीचर एजुकेशन, टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, इसकी मीनिंग, नेचर एंड स्ट्रेटजीज। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका इसमें से ही मेनली पूछा जाता है। तो ये था हमारा बीएड सेम 4 का होल सिलेबस। कुछ और भी बुक्स हैं जो आपकी इलेक्टिव हैं, अगर आपको उनमें से किसी बुक का सिलेबस चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।